आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। एक्चुअली प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन होता है और प्रोनाउन का कितना डिविजन्स होता है, कितना प्रकार का प्रोनाउन होता है, वो हम लोग कभी दूसरा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या क्या है और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है ना? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये कोई भी एक नाउन के जगह पे ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो उस डेफिनेशन में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, बस ये आपको ध्यान देना है कि ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इधर मी, आस, सब प्रोनाउन है। लेकिन इस प्रोनाउन का ये है सब्जेक्टिव फॉर्म और ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आपको ये जरूर लिख लिख लेना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वॉइस चेंज सीखना है तो वॉइस चेंज में ये सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बहुत इस्तेमाल होता है। इसके सही इस्तेमाल जानकारी के बिना आप वॉइस चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी ठीक लगे। अब सब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म? आस। यू का यू ही रहता है, नो चेंज। ही का हिम, शी, हर, दे, तिम, और इट इट ही रहता है, नो चेंज। अब ये इस्तेमाल होगा कैसे सेंटेंस में? ठीक है, देखिए जहां भार्व होगा, भार्व, अगर भार्व के बाद कोई भी प्रोनाउन अगर आपको इस्तेमाल करना है तो हमेशा ही ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला पार्ट है उसमें से जो प्रोनाउन आपको चाहिए वो इस्तेमाल होगा। और भार्व से पहले अगर आपको प्रोनाउन लिखना है तो सब्जेक्टिव वाला जो फॉर्म है ना वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसको देखा था बाजार में। तो सब्जेक्ट से ही तो सेंटेंस का स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आई है इसका सब्जेक्ट। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ पे मी लिख दिया और मी सॉ हिम इन द मार्केट, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जो भाव के बाद आना चाहिए। इसी प्रकार से आई आई सॉ हिम, ये जो हिम है इस जगह पे कभी भी ही नहीं हो सकता है कि आई सॉ ही इन द मार्केट, ये भी कभी नहीं हो सकता है, यहाँ पे हिम ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये भाव के बाद इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, द टाइगर वॉज किल्ड बाई मी, यहाँ पे भाव है ये किल्ड और उसके बाद में प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी, इसलिए मी कर दिया गया। अगर यहाँ पे कोई मी के जगह पे आई लिख दे कि द टाइगर वॉज किल्ड बाई आई, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू वर हेल्प्ड बाई हर, अब देखिए यहाँ पे तुम्हें मदद किया गया था उसके द्वारा, है ना? तो यू यू क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, इसलिए मैंने यू लिख दिया और ये भाव से पहले इस्तेमाल हुआ है। और भाव के बाद वाला जो प्रोनाउन मैंने इस्तेमाल किया वो देखिए हर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। कोई अगर यहाँ पे लिख दे कि शी, तो ये गलत हो जाएगा कि यू वर हेल्प्ड बाई शी, होगा ही नहीं। इन द सेम वे वी गो टू द सिनेमा ऑन संडेज, कि हम लोग संडे संडे मूवी देखने जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वी, तो वी के जगह पे हम आस क्या लिख सकते हैं कि आस गो टू द सिनेमा, ये कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वी, तो वी गो टू द सिनेमा ऑन संडेज। तो बस इतना याद रखना है कि ये जो प्रोनाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म वाला, ये क्या करेगा? सेंटेंस के शुरुआत में ही इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो भाव रहेगा उससे पहले। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रोनाउंस है, और इधर जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, ये भाव के बाद इस्तेमाल होगा। छोटा सा ही लिस्ट है, आपको याद रखना है और ये बहुत ही यूजफुल है फॉर योर वॉइस चेंज। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है जो ये सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, है ना? आई सॉ हिम, यहाँ पे ये हिम ना लिख के वो कर दिया,
आई सॉ ही, ऐसा करते हैं तो इस प्रकार का गलती से आप बच सकते हैं। बस ये लिस्ट अगर आप याद रखिएगा तो। और जूनियर सेक्शन में ये सब पढ़ाया जाता है, जूनियर सेक्शन मतलब 2-3 में पढ़ाया जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9-10 में पढ़ता है फिर भी वो नहीं जानता है। इतना ही बस इसके बारे में जानिएगा तो काफ़ी है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होगा। बस ये एक आपका क्लास वर्क है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन का यहाँ पे कुछ गलत इस्तेमाल दिया हुआ है, आपको वो सही तरीके से लिखना है। लेकिन ये करने से पहले आप सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को अच्छा से याद कर लीजिए, उसके बाद ही ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे आप कितना पहचान सकते हैं। फर्स्ट नंबर है दे हेल्प्ड वी, दे हेल्प्ड यू, ये है वर्ब। तो मैंने बताया कि भाव से पहले अगर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा, और दे तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, मतलब ये वाला सही है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। बट दे हेल्प्ड वी, मैंने ये भी बताया कि अगर भार्व के बाद इस्तेमाल होगा प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा, तो वी वी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो गारंटी ये गलत दिया हुआ है। तो इसके जगह पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या, आस, इट शुड बी आस, दे हेल्प्ड आस, उन लोगों ने हमें मदद किया था। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाई दे, यहाँ पे प्रोनाउन कौन है, प्रोनाउन बस दे है, एक ही प्रोनाउन है, और वो प्रोनाउन ये जो वर्ब है उसके बाद इस्तेमाल हुआ, तो मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए मुझे। अब दे क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, दे तो है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो मतलब ये गलत दिया गया। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम, हियर इट शुड बी देम, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाई देम, उस ओल्ड मैन को उन लोगों के द्वारा मदद किया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हर हैड अ नाइस डॉल, यहाँ पे प्रोनाउन कौन है, हर, और हर इस्तेमाल हुआ कहाँ पे, भाव से पहले, तो भाव से पहले अगर इस्तेमाल हुआ दैट मीन्स सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। यहाँ पे हर हर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, शी, दैट मीन्स ये गलत था, यहाँ पे होना चाहिए था शी, शी हैड अ नाइस डॉल, उसके पास एक प्यारा सा डॉल था। नंबर फोर्थ, यू ब्रोक माई टॉय, यहाँ पे प्रोनाउन कौन है, यू, तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो दोनों तो सेम ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, इट्स अ राइट सेंटेंस, क्लियर, कि तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया था। नंबर फिफ्थ, देम वर गोइंग टू दिल्ली, व्हिच वन इज द ऑब्जेक्ट हियर, द ऑब्जेक्ट इज देम, नाउ सी देम इट हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ब, ओके गोइंग, सो एज इट हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ब सो वी हैव टू टेक इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म, एंड देम देम इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज दे, दैट मीन्स इट वॉज रॉन्ग, वी हैव टू राइट हियर दे, TH UI, दे वर गोइंग टू दिल्ली, इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, यू सी मी गेव दे शेल्टर, व्हिच वन इज द प्रोनाउन हियर, द प्रोनाउन्स आर मी एंड दे, टू प्रोनाउन्स वी हैव, नाउ यू सी मी इट हैज बीन यूज्ड बिफोर द भाव गेव, दिस इज द भाव, एंड दे इट हैज बीन यूज्ड आफ्टर द वर्ब, सो एज इट हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ब सो वी हैव टू टेक इट सब्जेक्टिव फॉर्म, सो व्हिच इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ मी, मी इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज आई, सो हियर वी हैव टू यूज आई, सो मी इट वॉज रॉन्ग, कि आई गिव, एंड नाउ यू सी दे इट हैज बीन यूज्ड आफ्टर द वर्ब सो वी हैव टू टेक इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू सी दे इट इज सब्जेक्टिव फॉर्म एंड इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज देम, सो वी हैव टू राइट हियर देम, TH EM, कि आई गेव देम शेल्टर, मैंने उन लोगों को शेल्टर दिया था। नंबर सेवेंथ, आस डिड नॉट सी यू, हाउ मेनी प्रोनाउंस डू यू हैव हियर, यू कैन सी हियर वी हैव टू प्रोनाउंस, वन इज आस एंड द सेकेंड वन इज यू, दो प्रोनाउन है ना, और
वर्ब सी, तो सी से पहले जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया दैट शुड बी सब्जेक्टिव फॉर्म, बट आस इट इज यू सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म. वट इज इट सब्जेक्टिव फॉर्म? द सब्जेक्टिव फॉर्म इज वी, सो इट शुड बी वी. वी डिड नॉट सी एंड यू, यू सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों तो सेम ही सेम, सेम टू सेम रहता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. कि वी डिड नॉट सी यू, हमने तुमको नहीं देखा था. सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू चेंज वॉइस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉइस चेंज टू. ओके, थैंक यू.